हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है केरला स्टेट का प्राइवेट कॉलेज। एक्सपेक्टेड कट ऑफ फी स्ट्रक्चर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। लो बजट की कॉलेज है, कितना खर्चा जाएगा इस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, केरला स्टेट का। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जो शुरू हो गया है, देखिए बहुत लोग बोलते हैं ना कि अब्रॉड में कम खर्चे में एडमिशन हो जाता है और कम खर्चे में आपका पूरा कम्प्लीट हो जाता है। अब्रॉड में पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती कम्पेयर टू इंडिया। कोई भी एजेंट इस बात को बोल रहा है तो वो आपको पागल बना रहा है। इसलिए अगर 15-20 लाख ज्यादा लगता है, लगा के इंडिया में करो, ध्यान से सुनो इस बात को। ठीक है, अब्रॉड को चूज ना करें। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं कर सकते इंडिया देन, आप अब्रॉड जा सकते हैं और पढ़ने में अच्छे हैं तो। आप बात कर रहे हैं KEM 2024 केरला की बात करें तो यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अप्लीकेशन सबमिशन का जो देखिये 27/3/2024 वेंसडे से शुरू हो गया है। अब यहाँ देखेंगे जो इंक्लूडिव फी पेमेंट 17/4/2024 5 बजे वेंसडे तक ये चालू है दोस्तों। ठीक है, और डाउनलोडिंग ऑनलाइन एडमिट कार्ड, यहाँ सब डेट दिया हुआ है, डेट सब ये इंजीनियरिंग का इंट्रेंस एग्जामिनेशन का डेट है। यहाँ देखेंगे वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन, ये मेडिकल के लिए आपको एग्जाम नहीं देना, रजिस्ट्रेशन सिर्फ करना है, और भी आपको ये डेट है। ठीक है दोस्तों, तो ये रजिस्ट्रेशन कर लेना है। टोटल बजट कितना जाएगा कॉलेज वाइज ये मैं हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। अब केरला ओपन स्टेट है, ओपन स्टेट मतलब कोई भी किसी भी स्टेट से आके यहाँ अप्लाई कर सकता है ओपन कैटेगरी में। ठीक है, तो आप ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट जिसको AM बोलते हैं, आप कहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, CEE.KERALA.GOV.IN। रजिस्ट्रेशन बताया स्टार्ट हो गया है और ये नीट के पेपर के बाद भी 3-4 दिन के लिए ओपन होता है। अगर इस बार मिस कर जाए तो उस समय जरूर रजिस्ट्रेशन कराए। ठीक है, अब इसका बताते हैं टॉप 10 कॉलेजेज ये है, जो जुबली जो यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज से भी ज्यादा कजब जाता है, पुष्पागिरी, ये सारे टॉप कॉलेजेज में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी जो फी रेगुलेटरी कमेटी है, यहाँ पे जो फी डिसाइडेड होती है प्राइवेट कॉलेज की, वो ये कमेटी डिसाइड करती है और इसलिए यहाँ पे फी कम है। कम कितना है वो हम बात करेंगे। अब बात करते हैं अमला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का, सबका फी ये डिसाइडेड है, कितना ले सकती है कॉलेज, 7,77,179 रुपए। ठीक है, इंक्रीज करने के बाद 23-24 के लिए फी था ये। आप देखेंगे स्पेशल फी जो फर्स्ट ईयर में 62,000 लेता है और सेकेंड ईयर से आपको फाइनल ईयर तक 16,522 रुपए लगते हैं, ये तीनों चार्ज आपके लगते हैं। ठीक है, सारे कॉलेज में यही है, आप देखेंगे ये स्पेशल फी थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएंगे, लेकिन ये फी जो 7,77,000 ये सारे कॉलेज का आपको यही दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका नारायणा का थोड़ा सा 8 लाख है, इसका 7,34,000 है, देख रहे हैं ये आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, यहाँ स्पेशल फी में थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिलेगा, जो स्पेशल फी है वो आपको फर्स्ट ईयर में आप देखिए यहाँ पे हर जगह ज्यादा होगा, सेकेंड ईयर से ये कम होंगे। ठीक है, तो ये ऐड करके आपको चलना है ट्यूशन फी प्लस स्पेशल फी। ठीक है, तो कोई ये बोले जी 6 लाख या 7 लाख फी है, तो नहीं, ये 7 लाख से ऊपर हो जाती है, 8 लाख से भी ऊपर है अगर आप ऐड करते हैं इसको। ठीक है, फिर भी ये और जगह से सस्ता पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हम 18 टोटल 20 कॉलेज है केरला में, तो एक एक की बात करते हैं हम। जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं कि क्या कट ऑफ गई थी, राउंड 3 में 23,435 रैंक पे कॉलेज मिला था और उसके मार्क्स थे 610। आप बोलेंगे ये कॉलेज बहुत ही अच्छी है दोस्तों, इसलिए इसका कट ऑफ जो है गवर्नमेंट कॉलेज के इक्वल जाता है। यहाँ आप देखेंगे 610 पे कॉलेजेज अलर्ट हुई थी ऑल इंडिया कोटा में, और यही कॉलेज जो है लास्ट इस पे मिला था। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज। अब इसकी आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्यूशन फी कितना है, 7,34,000, ये देख रहे हैं आप 7,34,852 रुपये, और जो 5.76 बढ़े थे इस साल इंक्रीज होने के बाद, जो एकेडमिक ईयर का जो टोटल ट्यूशन फी 7,77,179 रुपये 48 पैसे थे, इसमें स्पेशल फी भी ऐड होंगे आपको जैसे मैं बताया। अब बात करते हैं अमला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसका कट ऑफ क्या गया था, 605 मार्क्स गया था राउंड 3 में, और इसकी रैंक थी 26,276। ठीक है, तो मैं ये आपको मार्क्स और रैंक क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप अगर इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये इतना अप्रोक्स मार्क्स आपके आने चाहिए। ठीक है, और इस रैंक आपको रहेगा तो आपको पता चलेगा कि ये कॉलेज हमको मिल जाएगा, इसलिए बता रहा हूं। अब बात करते हैं हम
मलकारा ऑर्थोडॉक्स सैरियन, देखिए प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ा वो हो, और 598 मार्क्स पे कॉलेज मिला था और 29,856 रैंक इसके थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इस पे ये कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पुष्पागिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ पे 596 पे कॉलेज अलॉट हुआ था और 31,396 रैंक थे स्टूडेंट के। अब बात करते हैं ये वेलिवर्स चर्च मेडिकल कॉलेज, और इसकी जो कट ऑफ गई थी 588 गई थी और 36,224 रैंक था, ठीक है। अब बात कर रहे हैं एमईएस मेडिकल कॉलेज ऑफ मलपुरा में है, और इसकी जो मार्क्स गई थी 592 पे कॉलेज अलर्ट हुआ था और 33,467 रैंक पे ये कॉलेज अलॉट हो गए थे, ठीक है। और अब बात करें श्री गोकुलम मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च फाउंडेशन, ये 587 पे कॉलेज अलॉट हो गया था, 36,644 रैंक थे स्टूडेंट के। अब देखिए डॉक्टर समरवेल मेमोरियल सीएसआई मेडिकल कॉलेज, इसकी कट ऑफ गई थी 568 और रैंक था 50,405। ये ध्यान रहे, ये जो डाटा एग्जैक्ट डाटा है जो कट ऑफ गई थी दोस्तों, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और श्री उथरुदम थिरुनन एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस, और इसकी कट ऑफ गई थी 566 और रैंक गई थी 51,903, ठीक है। अब देखते हैं पीके दास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और इसकी जो कट ऑफ गई थी 551 गई थी, रैंक था 33,055, मार्क्स 569 और रैंक 49,720, ठीक है, ये गया था दोस्तों। और केएमसीटी मेडिकल कॉलेज ऑफ, इसका आपको बताया 569। अब बात करें मालाबार मेडिकल कॉलेज एंड इसका जो कट ऑफ गई थी 566 गई थी, 51,363 रैंक पे ये कॉलेज मिल गया था। अब बात करें करुणा मेडिकल कॉलेज, इसकी कट ऑफ गई थी दोस्तों 585 और रैंक था 38,689। अजिया मेडिकल कॉलेज, अजीजिया, अब इसका जो है 68,403 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ था और मार्क्स था 545। अब देखते हैं दोस्तों श्री नारायण नारायणा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और इसका जो कट ऑफ गया था 549 पे ये कॉलेज अलॉट हो गया था और ये था 64,729। केरला पढ़ाई के लिए अच्छा जगह माना जाता है दोस्तों। और माउंट जीएन मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 536 पे कॉलेज अलॉट हो गया था और बच्चे का रैंक था 75,237, ठीक है। तो मार्क्स और ये अल अजहर मेडिकल कॉलेज, इसकी बात करें तो ये 531 पे ये कॉलेज अलॉट हो गया था और 80,091 जो है रैंक था बच्चों का। अब बात करें डॉक्टर मोफेन मेडिकल कॉलेज, और इनका इस पे कॉलेज अलॉट हुआ था 544 पे और रैंक था 68,572। तो ये आपको अगर कंसल्टेंसी लेनी है और रोल तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको कुल मिला के ये बता दूं दोस्तों, अगर आपको केरला में एडमिशन लेना है तो इस बार आपको 530, ठीक है, कम से कम 520 मिनिमम, इससे प्लस आपको मार्क्स चाहिए तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। और यहाँ पे बजट कितना जाता है, अब सबसे बड़ी क्वेश्चन ये होता है सर इतना बजट कितना आता है, तो आप मान के चलिए 8 लाख फी है आपका जो सबसे कम है, इंटू 4.5, ठीक है, ये आपका ट्यूशन फी। और उसके अलावा आपको हॉस्टल और मेस का देना है जो आपको 1 से 1.5 लाख पड़ता है, तो वो आप जोड़ लेंगे तो ये यहाँ पे ये तो ट्यूशन फी आपका 36 लाख हो गया, प्लस आप और खर्चे इसमें जोड़ दे 8 लाख के आसपास, ठीक है, तो आपका कितना जाएगा, ये आपका 44 लाख तक सारा हो जाएगा, मतलब सबसे कम पड़ता है 40 से 45 लाख का आपका टोटल बजट जाता है। और
ये केरला का, इसलिए बच्चे यहाँ चूज करना पड़ता है। अब्रॉड में भी देखेंगे तो आपका बजट 40-45 लाख पहुंच जाता है, तो ये बच्चे मार्क्स लाए वो अब्रॉड वो बच्चे जाते हैं जिनका मार्क्स इतना नहीं आ पाते, ये बच्चे इसलिए इसको चूज करते हैं क्योंकि इनके पास मार्क्स है। ठीक है, तो लोवेस्ट कंसल्टेंसी और सर्विस की गारंटी देते हैं हम, आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और चैनल पे नया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अलविदा।